आज का मुख्य रूप से जो मेरा यहाँ आना था, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना का लाभ किस तरह मिल रहा है और क्या स्थिति है, ग्राउंड पर क्या है, लोग किस तरह लाभ ले रहे हैं, ये देखने के लिए आज मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, कुछ लोगों से मेरी भेंट भी हुई जो लाभ ले चुके हैं, वो मुझे संतुष्ट दिखाई दिए। यहाँ पर करीब 4-5 लोग आज एडमिट हैं जिनका इलाज हो रहा है उस योजना के माध्यम से, वो भी संतुष्ट हैं। ग्वालियर के अंदर करीब 2.5 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड हैं और करीब अब तक जो है 5,80,00,000 रुपए सरकार ने इनके ऊपर खर्च किए। करीब 4,800 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पहुंचा है। ये केवल करीब 11 हॉस्पिटल्स हैं आपके अपने इस ग्वालियर में, जिसमें तीनों सरकारी अस्पताल और BIMR बांडे वाली माता का कैंसर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, सिम्स, ये सब प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में भी इनका सबका इलाज हो रहा है। और जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 4,800 पेशेंट्स का, वो इन सभी अस्पतालों में मिलकर के है और मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी योजना है और आने वाले समय में इसका लाभ लोग लेंगे। अभी जो कमी मुझे देखने को ये मिली है कि अभी इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। एक तो ऐसा भी भाई मिला जो कार्ड जिसके पास था पर उसको पता ही नहीं था कि इस कार्ड से उसका इलाज हो रहा है, उसका इलाज यहाँ पर हो रहा है। अगर कोई बाहर से दवाई वगैरह भी खरीद करके लाते हैं ये लोग तो उसका रीएम्बर्समेंट यहाँ पर होता है। और मेरा ये मानना है कि कुल मिला करके इस योजना का अधिक से लोग लाभ लें, ये आज आवश्यकता है। 10 करोड़ कार्ड अभी इस देश के अंदर बने हुए हैं इस योजना के माध्यम से, मतलब 50 करोड़ के लोग करीब इसका लाभ ले रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर इस देश के अंदर एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको कि पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा सके। हाँ, सब जगह में, हाँ देखिए, ग्वालियर के अंदर अब इसमें किडनी रिप्लेसमेंट भी होगा, हार्ट का ऑपरेशन भी होगा, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी यहाँ पर होगी और ये सारे के सारे रोगों का इलाज जो है इस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो रहा है। नी रिप्लेसमेंट हो यहाँ पर होगा, कुल मिलाकर के ये सब वो एक तरह से बीमारियाँ हैं जो कि आजकल बड़े बड़े पैसे वाले लोग केवल इलाज ये एफोर्ड कर सकते थे, पर मोदी जी की सरकार की और मोदी जी की वास्तव में संवेदनशीलता है कि इन सब मतलब महंगे इलाज होने के बाद भी गरीब उसका फायदा उठा रहे हैं। एक अलग सवाल, कल जो मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने ये जो ये क्या आयुष्मान भारत योजना के अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने कोष से सहायता करते हैं, सांसद जब उनको यहाँ पर से लिख करके भेजते हैं तो उनका इलाज वहाँ पर भी सहायता उनको दी जाती है। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से भी अब तक 13 लोगों को इस तरह का लाभ मिला है और करीब 18 लाख रुपए की सहायता माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को की है जो अपना इलाज एफोर्ड नहीं कर सकते, अतिरिक्त रूप में।